मिर्ची बॉलीवुड। तो सबसे पहले तो मतलब ये कहना चाहेंगे, मुंह दिखाई की रस्म चल रही है घर में और हम देख रहे हैं काफी ड्रामा भी साथ में देखने को मिल रहा है। देखो बहुत बहुत ज्यादा ड्रामा हो चुका है। स्वागरात अच्छी नहीं हुई, स्वागरात पे कुत्ता आ गया। सुबह सुशील और सत्या साथ में वर्कआउट कर रहे थे, वहाँ पे एक ऑकवर्ड मोमेंट उनके बीच में हुई जो हमने कल सीन शूट किया। आज मुंह दिखाई की रस्म है, साड़ी दी गई है। जब सुशील नहाने जाती है तो जो दादी है वो सुशील की साड़ी काट देती हैं कि वो ढंग से पहनी ना पाए, पर सुशील जुगाड़ लगाती है। सुशील क्या करती है कि देखती है आसपास, बचपन से उसकी क्या आदत थी, जब भी कुछ फट जाता था कपड़ा या जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसको स्टेपल कर देती थी। तो वो देखती है कि रूम में एक पर्दा है वाइट कलर का, ये वाला पर्दा, तो वो पर्दा निकालती है और क्योंकि पल्लू उसका बहुत छोटा पड़ रहा था तो पल्लू में अटैच करके उसको स्टेपल कर देती है। तो बचपन से जो उसने सीखा है वो यहाँ पर भी उसको अपना कर, क्योंकि अब पल्लू छोटा है तो मुँह कैसे ढकेगी, मुँह ढक ही नहीं पाई, तो उसने स्टेपल करके पल्लू को लंबा किया पर्दे से और पूरा यहाँ तक घूंघट करके यहाँ पर आई और मुँह दिखाई की रस्म बड़े अलग ढंग से कर रही हैं दादी जी। वो कहती हैं कि आप सबको शीशे में देखेंगे, थोड़े अलग ढंग से हम मुँह दिखाई की रस्म करेंगे। तो शीशे में जब वो इस तरीके से प्लेस किया जाता है शीशा कि सुशील की सिर्फ गर्दन गर्दन तक दिखती है, तो सब दोबारा नोट करते हैं कि भाई तेरी तो बहू कितनी लंबी है, क्या कहाँ से लाएगी, और भी एक दो मजाक वाले डायलॉग्स बोले जाते हैं। फिर फाइनली दादी जी बोलती हैं सुशील को कि कुछ बना के खिला। सुशील बोलती है कि दादी जी माँ मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तो वो दादी जी जो लीला है वो बड़े गुस्से में बोलती है कि नहीं तुझे जो बना कुछ भी बना पर बना के इनको भूखे खाली पेट थोड़ी ना भेजेगी। तो फाइनली सुशील किचन में जाने वाले, अब उसके बाद क्या ड्रामा होता है वो देखते हैं। अच्छा सुशील मतलब हर प्रॉब्लम का जो तोड़ है वो सुशील के पास में होता ही है, तो अब क्या करने वाली और इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे वो टैकल करने वाली है देखते हैं। फिलहाल तो अंदर जाएगी, वो यही बोल रही है कि मापा ने काफ़ी सिखाने की कोशिश करी खाना कैसे बनाना है पर कभी हुआ ही नहीं उससे, और फिर भी वो कहती है नहीं मैं कोशिश करूँगी, जो भी मुझे कुछ याद है जो मापा बनाते थे वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सबका जो गला यहाँ पे ख़राब है, कोई खांस रहा है, किसी के गले में खराश है, तो कहती है एक वो हनी के अंदर लहसुन को मिक्स करके कुछ मापा उसको बचपन में एक कुछ बनाकर खिलाते थे, तो वो सबको सबके लिए बनाती है मीठा मीठा। तो अब देखते हैं वो लोगों को पसंद आएगा कैसा लगेगा, सुशी लोग जो गेस्ट हैं उनको इम्प्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या लीला दादी उसके बीच में सुशील के लिए क्या क्या हर्डल्स खड़ी करेगी वो देखते हैं। अच्छा सर बस खाली ये जानना चाहेंगे फाइनली मतलब आपको साड़ी वाला अवतार दे दिया, कितना एंजॉय करी आपने इस लुक को और कितनी मुश्किल हो रही है साड़ी के साथ में? बिल्कुल नहीं एंजॉय करी, एक सिंपल पैंट और टी शर्ट या यू नो लूज लूज क्लोथ्स के बाद ये सारा ताम झाम और बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स, दोबारा हेयर स्टाइल, मेकअप तो खैर इट्स स्टिल न्यूड बट हैवी साड़ियाँ पहन कर रहना पूरा पूरा दिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सुशील तो ये बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही और ना ही प्राची। थैंक यू सो मच।